सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 31। ये हमारी ड्रेसिंग टेबल की स्केल है और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो है 102 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी है 45 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 134 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने फुट्टा जो हमें यूज करने को कहा गया है वो है 2.15 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने कागज़ को हाइट की तरफ रखा है और इसकी कागज बाट की हुई है। तो ड्रेसिंग टेबल की स्केल है, इसमें काफ़ी बारीक लाइनें हैं, बड़ी स्केल है। तो हमने सबसे पहले इसमें एलिवेशन हम बनाते शुरू करते हैं। इसका एलिवेशन बनाना सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, यहाँ से इसमें नीचे से 31 40 और 31 के तीन हमें नाप दे रखे हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले लेना है 31 और यहाँ से फिर है हमारा 40 और फिर हमारे पास बच जाता है यहाँ पे 31। आप देख सकते हैं 30 और एक 31। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी इसमें निशान लगाना है। ये हमारा है 31, उसके बाद हम काट देते हैं यहाँ पे 40 और ये हमारा बच जाता है यहाँ पे 31। ये आप देख सकते हैं यहाँ से 30 और एक 31। तो ये हम जो लाइनें हैं वो डार्क हम लगा देंगे यहाँ पे सबसे पहले। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमने इसमें हाइट में आगे दराज इसमें तीन दिए हुए हैं और उनकी हाइट है 55 सेंटीमीटर। तो हमने यहां से 55 सेंटीमीटर काटना है। तो 40 50 और 5 55, यहाँ पे हमने 55 सेंटीमीटर काटना है यहाँ से। ये हम देख सकते हैं ये हमने मिला देना है यहाँ से। ये जो हमारी 55 सेंटीमीटर जो हमने हाइट काट रखी है ये हमारी लाइन आनी है सिर्फ यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी लाइन आनी है। ये जो हमारे तीन वर्ग बन गए हैं इसमें है यहाँ पे शीशा, ये वाला भाग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसमें खाने बना लेते हैं। इसमें है ऊपर से अभी 200 सेंटीमीटर की इसमें लाइन लगी हुई है, हम यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे भी दो दो सेंटीमीटर की लाइन हम लगा देंगे। देख सकते हैं फिर ऊपर से 2 सेंटीमीटर की लाइन लगी हुई है यहां से, ये जो लाइन है हमने यहां तक इसमें लगानी है। यहां से इतनी आएगी और यहां पे ये इस तरह से आएगी। अब नीचे से ऊपर को इसमें 5 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर है, यहां से हमने काटना है 5 और 5 के बाद हम काटेंगे यहां से 2 सेंटीमीटर इस तरह से। यहां से
पाँच, पाँच के बाद 10 सेंटीमीटर। ये हमारी लाइन आएगी यहाँ तक, ये यहाँ इसमें भी ये हमारी लाइन आनी है, और फिर हमारी आएगी यहाँ इसमें इस तरह से, और फिर हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा है यहाँ तक, फिर हमारा आएगा यहाँ तक, फिर आएगा यहाँ इस तरह से। अब इसमें है नीचे से ऊपर को 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसके बाद यहाँ से 14 के बाद है 2 सेंटीमीटर इस तरह से, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर। ये जो हमारी लाइन आनी है ये भी इसी तरह से हमारी आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर हमारी यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ तक आएगी, उसके बाद फिर हमारी इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर हमारा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने ये हमारा है 14 सेंटीमीटर, फिर हमारा है यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी इसी तरह से ये हमारा है 14 सेंटीमीटर, फिर हमारा है 2 सेंटीमीटर। ये हमारा सिर्फ इन खानों में आना है, इस बीच के खाने में ये नहीं आएगा। इस तरह से अब हमारा 14 सेंटीमीटर के ऊपर हमारा बच जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे इस दराज है, ये दराज को खोलने के लिए इसमें हैंडल बने हुए हैं, और वो हैंडल है 2x10 सेंटीमीटर के। तो जैसे ये हमारा है 31 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो हमने क्या करना है, टोटल इसकी लेंथ है 31 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा 31 है यहाँ से, तो हमने ये 10.5 और 10.5 हमारा हो जाएगा 21, और फिर बीच में हमारा बचेगा 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 10 है, ये हमने काटना है 10.5 और 10.5 के बाद हमने काटना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो ऊपर और नीचे में इसमें निशान लगा देता हूँ, तीनों खानों में ही लगना है हमारा, तो एक कॉमन ही आ जाएगा, ये हमारा 10, 10 से थोड़ा 10.5, और ये हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी इसी तरह से 10.5 के बाद 10 सेंटीमीटर है, साढ़े दस के बाद 10 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ से इस ये है 14 सेंटीमीटर बीच में, हमने क्या करना है, 6 आप देख सकते हैं यहाँ से हम काटेंगे 6 सेंटीमीटर और 6 × 12, तो 2 सेंटीमीटर बीच में बच जाएगा, तो हमने यहाँ से 5 और 1 6 सेंटीमीटर, 6 के बाद हम काटेंगे 2 सेंटीमीटर इस तरह से, यहाँ से भी हमने ये 5 और 1 6, उसके बाद हम काटेंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 6 के बाद 2 सेंटीमीटर, और फिर हम सीधे निशान यहाँ पे लगा देंगे इसमें 5 और 1 6 6 के बाद हम काटेंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 के बाद 2 सेंटीमीटर, ठीक के बाद 2 सेंटीमीटर। और हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा है 2 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं ये लगभग यहाँ तक आ रहा है, तो हमने हल्की लाइनें अभी लगानी है इस तरह से, बाद में हम इनको फिर
मिटाने के में हमें दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से थोड़ी आगे लगा जाती है। मैं इसलिए हल्की लाइनें लगाता हूं ताकि हमें जब हम इसमें रबड़ चलाएं, हम इसको मिटाना चाहें तो हमारी जो शीट है वो गंदी ना हो। इस तरह से ये ड्राइंग में सफाई के अलग से मार्क्स मिलते हैं, सफाई का हमने विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से अब हमने ये 10 सेंटीमीटर के निशान हमने पहले ही लगा रखे हैं, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे हमारी छूट गई थी लाइन, यहाँ पे ये हमारी फालतू लाइन है, हम इसको मिटा देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये दराज को खोलने के लिए है। इसके बाद ये हमारी है मेन फट्टी जो सबके लिए कॉमन है, ये भी है, ये है, और ये जो बेसिक फट्टियाँ है ये भी सबके लिए कॉमन फट्टी है। ये थोड़ी हल्की रह गई थी, ये हमारी कॉमन फट्टियाँ लगी हुई है, ये सबके लिए एक बराबर फट्टियाँ है। अब जब हम इस दराज को खोलेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ से, तो इसके अंदर अलग से एक फट्टी होगी, इधर को भी और नीचे भी फट्टी होगी, क्योंकि ये तो कॉमन फट्टी, ये तो बेस है, ये भी बेसिक फट्टियाँ हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 2-2 सेंटीमीटर की फट्टियाँ पहले हम यहाँ इधर को लगाएंगे लंबाई में, यहाँ से इस तरह से ये डॉटेड हमारी फट्टियां आनी है इसमें, इस तरह से। यहां देख सकते हैं ये हमने डॉटेड फट्टियां लगानी है यहां पे, ये इसकी इंडिविजुअल फट्टी है, ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अब इसमें हमने 2-2 सेंटीमीटर इधर को भी लगाना है, इस तरह से, और यहां लास्ट में हम इसमें निशान लगा देंगे। ये जो हमारा 2-2 सेंटीमीटर आना है ये हमने कैसे शो करना है, ये हमारी फट्टी सिर्फ जो है वो यहाँ तक आनी है, इस डॉटेड तक, यहाँ से इस डॉटेड तक, ऊपर से फट्टी सिर्फ हमारी डॉटेड लाइन तक आएगी, उससे नीचे नहीं आएगी, यहाँ से इस तरह से। अब जब हम इस दराज को खोलेंगे ये फट्टी और ये फट्टी इसके साथ खुलेगी, तब हमारा ये हमारी अब बेसिक लाइन, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लाइन थोड़ी फीकी है तो मैं इसको थोड़ा सा
डार्क कर देता हूँ। उस वक्त मैंने हल्की लाइन लगाई थी। इसी तरह से ये जिस तरह हमने डॉटेड यहां लिए रखे, ये हमारे डॉटेड यहां भी आने हैं इस तरह से। अब हमने ये हमारा जो खानों का काम है ये कंप्लीट हो गया है। बीच में यहां पे भी इसमें 2 सेंटीमीटर की पट्टी लगी हुई है और वो डार्क पट्टियां हैं यहाँ पे। ये मुश्किल नहीं है, आसान मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने कौन सी पट्टी कहाँ से कैसे लगी हुई है। मुश्किल कोई भी कार्य नहीं होता है यदि आपकी लगन अच्छी हो। यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर इस तरह से आपने लाइनें लगानी हैं। इसके बाद ऊपर यहाँ पर फट्टी लगी हुई है एक 6x2 सेंटीमीटर की, आपको इंडिकेट हो रही होगी एलिवेशन में। आप देख रहे हैं ये रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है, ये आपका है यहाँ से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। यहां देख सकता है इस तरह से 6 के बाद है ऊपर 5 सेंटीमीटर यहां से, फिर हमारा है 5 सेंटीमीटर इस तरह से, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा ऊपर बच गया है ये हमारा है शीशा। तो ये जो हमारी लाइन है इसका कोई काम नहीं है, अब हम इसको मिटा सकते हैं। ये हमारी पूरी लाइन मिट जाएगी यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल का एलिवेशन बन गया है। इसमें यहाँ पे कील बनी हुई है, उसका कोई नाप हमें नहीं दे रखा है, हम आइडिया से ही यहाँ पे कील बना रहे हैं इस तरह से। शीशे को टिकाने के लिए इसमें कील लगी हुई है। इसकी जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए ये 90, 95 और 100 बिल्कुल नीचे से हमने सही नाप ले रखे हैं, तो ऊपर से भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प होनी चाहिए और नाप आपने बड़े सावधानी से लेने। इस तरह से हमारा बिल्कुल एलिवेशन बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हमने बनानी है इसकी साइड। अब साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी ये हमारा 55 सेंटीमीटर है ये हम यहाँ से काटेंगे। सबसे पहले यहाँ से से ये हमारा 55 सेंटीमीटर है, ये हमारी डार्क लाइन आनी है इसमें। इससे नीचे जो हमारा है सिर्फ वर्ग यहाँ पे वो डार्क आने हैं हमारे, जो वर्ग के यहाँ पे मुंह इसके खुलेंगे, बाकी सारा हमारा डॉटेड आना है इससे नीचे। तो इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे 14 सेंटीमीटर के बाद ये हमारी लाइनें आ रही है ये हमने यहाँ लगानी है लंबाई में। यहाँ से ये हमारा डॉटेड है 2 सेंटीमीटर, मैं यहाँ नाप नहीं रहा हूँ, इसी के प्रोजेक्शन यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि स्केल लंबी है तो इसमें टाइम ज़्यादा हमें लगेगा, बहुत लंबी स्केल हो जाएगी इस तरह से। और सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ जो हमारा इस तरह से, ये हमारी इसके बाद हमारा 14 सेंटीमीटर आया था ये, और फिर 2 सेंटीमीटर है ये डॉटेड, हमें बाद में इसमें
समझा के आपको लगाऊंगा कि कैसे लगना है डॉटेड, इस तरह से। फिर हमारा है ये, हमारा है इसके बाद 14 सेंटीमीटर है, इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ नीचे से 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर के बाद है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा डॉटेड आना है यहाँ पे, इस तरह से। हम देख सकते हैं उसके बाद इसमें जो हमारे ये हमने दराज खोलने के जो हैंडल है, ये हमारे यहाँ पर डार्क आने 2 सेंटीमीटर बाहर को यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं वो हमने लेना है यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हमारा लास्ट तक जाएगा यहाँ तक, ये जो 2 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है ये हमारा यहाँ तक आएगा डार्क, यहाँ से नीचे आएगा हमारा डॉटेड, यहाँ तक इस तरह से ये हमारा नीचे तक आएगा, और उसके बाद आगे से भी हमारा 2 सेंटीमीटर है यहाँ से, ये हमारा यहाँ तक आएगा, इसके बाद हमने आगे जो इसके हैंडल बना हुआ है ये है 2 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पे भी हम इसको 2 सेंटीमीटर काट देंगे, इस तरह से इसको बना लेते हैं। सकते हैं इस तरह से। अब हमने इसमें जो प्रोजेक्शन लेने हैं वो लेने हैं ये जो हमारा है 2-2 सेंटीमीटर, ये जो आपका है ये यहां से अंदर आएगा, इस लाइन से अंदर आएगा यहां से, और सिर्फ ये हमारा यहीं तक आएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं सिर्फ यहां तक आएगा, और ये जो डॉटेड हमारा है ये डॉटेड भी हमारा इसी तरह से, यहां तक ही आएगा। अब इसमें पीछे जब इस दराज को खींचेंगे खुलेगा ये तो बेसिक फट्टी तो ऐसे रहेगी, ये फट्टी बाहर आएगी, ये वाली फट्टी जो है तो इसमें पीछे यहाँ पे फट्टी होगी लगी हुई, ताकि जो भी सामान रहेगा वो पीछे को ना गिरे ना जाए, तो यहाँ से हमारा होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी, दो सेंटीमीटर।
से। अब ये जो 2 सेंटीमीटर आएगा ये हमारा यहां तक आएगा, ये देखिए यहां तक आएगा, इन दो लाइनों में बीच में ये नहीं आएगा इस तरह से, यहां तक और यहां से नीचे यहां तक, इस तरह से ये हमारा 2 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद अब हमारा है यहां पे शीशा लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो वो हम यहां पे लगा लेते हैं। एक सेंटीमीटर का है, इस तरह से ये मैं अभी इसको यहीं तक डार्क लगाता हूं। उसके बाद यहां देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। अब शीशे की जो लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमने लेना है 100 सेंटीमीटर नीचे तक, यहां से ये आपका है 95, ये है 100, यहां देख रहे, तो यहां तक हमने शीशा लगाना है। इसके नीचे ये आना है हमारा डॉटेड इस तरह से, यहां पर शीशा आ गया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहां पे ये जो आपका खाना है एलिवेशन में आप देख सकते हैं, ये हमारा यहां से 5 सेंटीमीटर पीछे बना हुआ है, आप देख सकते हैं रेड कलर से जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, आप वो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये इस तरह से 5 सेंटीमीटर पीछे है बना हुआ, ये सिर्फ निचले खाने में, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डॉटेड शो करना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर 5 सेंटीमीटर यहाँ 6 सेंटीमीटर 6x2 का एक खाना सा बना हुआ है इस तरह का, ये आप देख सकते हैं। इसके प्रोजेक्शन हमने लेने हैं, ये आपका है, ये हमारा सिर्फ यहाँ पे इतना सा शो होना, यहाँ पे इतना सा शो होगा क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो हमने पहले ले रखा है यहाँ से, तो ये हमारा बच जाता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कि यहाँ से ऊपर जो है ये शीशा लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर का। इसके बाद अब ये लाइन हम यहाँ से मिटा देंगे, अब हमारा जो साइड है वो बन के तैयार होगी। ये जो लाइनें हमारी इनको मैं डार्क लगा लेता हूँ, ये जो आपका लास्ट का 2 सेंटीमीटर है, यदि आप चाहें डॉटेड तो ये नीचे तक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वैसे नीचे इसका कोई कार्य नहीं है क्योंकि ये तो इधर को हमारे ये जो हमारे स्टैंड बने हुए हैं ये वाले हैं, ये हमारे इन पे ये टिका हुआ है, इन 4 स्टैंडों पे ये टिका हुआ है, आपका ड्रेसिंग टेबल है, ये नीचे जो है वो खाली जगह होती है बहुत साइड, तो अगर आपने यहाँ लगाना भी तो कोई ऐसी गलत नहीं होगा, आपका सही रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से अब आपकी जो साइड है वो भी बनके तैयार होगी। ये खाना हमारा खाली है, इसी तरह का वर्ग इसमें नहीं बना हुआ है, जैसे दराज है वो दराज इसमें नहीं है, ये खुला है, आप देख सकते हैं इंडिकेट हो रहा है आपके स्क्रीन पर, ये बिल्कुल खुला है यहाँ से, तो इसमें हमने इस तरह का दराज नहीं लगाया, इसलिए इसमें इतना ही कार्य आपका होना है। इसके बाद हमने इसके लेने प्रोजेक्शन, अब हमने इसका प्रोजेक्शन बनाना है, तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन हमने ले लिया है, फिर हम लेंगे 1 सेंटीमीटर का जो हमारा शीशा ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और अब हमारा ये 2 सेंटीमीटर है उसके बाद, और अब सीधा हम यहाँ पे ये जो हमारे बाहर को हमने ये हैंडल के मुंह बना रखे हैं, ये हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरह से, फिर हमारा है 5 सेंटीमीटर इस तरह से, ये हमारा आएगा। इसके बाद हमने प्लान इसका बनाना है, प्लान बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमने 31 सेंटीमीटर ले रखा है यहां से, ये लाइन हम सबसे पहले डार्क इसमें लगा देंगे इस तरह से, और
यहाँ पे भी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी लाइनें आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें पीछे से 2 सेंटीमीटर की जो लाइन हमारी है वो हमने यहाँ से लेनी है प्रोजेक्शन इसका। दो सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन हम लेंगे तो इसमें ये प्रोजेक्शन हमारा डॉटेड आएगा पीछे। यहाँ पे जो ये डार्क लाइन है इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जो ये हमारी 2-2 सेंटीमीटर की लाइनें लगी हुई है ये हमने यहाँ डॉटेड लगानी है। आगे तक ये आएगी यहां से इधर को है इस तरह से। यहां पे ये हम बाद में लगाएंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर पीछे तक है। यहां से ये हमारी डॉटेड लाइन आएगी आगे तक और फिर यहां से ये लाइन हमारी आएगी डॉटेड यहां से इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने आगे भी इसमें 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है यहां से, ये हम यहां से इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे यहां पे इसी के सीध में हम आगे से दो सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हमारी डॉटेड लाइनें लगी हुई है ये हमें लगानी है 2-2 सेंटीमीटर की है इस तरह से और यहां से अंदर इस तरह से यहां पे भी हम 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे इस तरह से। अब हमने ये जो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ये लाइन लगा रखी है इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे यहां पे। अब इसी के सीध में हमने ये 2 सेंटीमीटर हमारा आना है इसके अंदर हमारा ये यहां पे डॉटेड आएगा और यहाँ हमारा ये डार्क आना है क्योंकि ये जो हमारी फट्टी लगी हुई ना 6 सेंटीमीटर की 6x2 सेंटीमीटर मोटी है तो 1 सेंटीमीटर ये शीशे से ढक जाएगी और 1 सेंटीमीटर बाहर को हमारी ये डार्क दिखेगी इसलिए हमने इसको इस तरह से। अब ये सिर्फ यहीं तक है इस तरह से आएगा और अब हमारा जो शीशा बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे
से डॉटेड हम इसका लगा लेंगे पहले और फिर हम इसको डार्क लगाएंगे। यहाँ से ये हमारी आएगी डार्क लाइन इस तरह से। ये हमारा 2 सेंटीमीटर मोटा हमारा जो है पीछे ये फटती है, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर मोटा ये हमारा शीशा है, और जो ये हमारा 1 सेंटीमीटर और है, ये जो फटी है हमारी 6x2 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर शीशा इसमें अंदर है और दूसरी ये बाहर को हमें ऊपर से दिखेगी इस तरह से। अब हमने प्रोजेक्शन लेने, ये जो हमारा इसकी हैंडल इसका बना हुआ है जिससे हम ये दराज खोलेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा डार्क 2 सेंटीमीटर बाहर को, और यहाँ पे भी इस तरह से ये यहाँ पे भी आएगा यहाँ से और यहाँ पे भी इस तरह से। हमने यहाँ से इसका प्रोजेक्शन यदि हम लेते हैं यहाँ से इस तरह से बाहर को 2 सेंटीमीटर है, हम लगा देंगे यहाँ देख सकते हैं। अब आपकी जो है साइट प्लान जो है हमारा काफी बन गया है। अब हमारा बचता है यहाँ पे ये जो 5 सेंटीमीटर पीछे है, ये हमारी ये फट्टी हमारी लगी हुई है, इसका हमने प्रोजेक्शन ले रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये जो हमारी लाइन आनी है 5 सेंटीमीटर की, ये हमारी यहां पे आएगी डार्क लाइन, इस तरह से ये लाइन डार्क आएगी, ये हमारी डार्क लाइन है। इसके बाद इसमें ये हमारी 2 सेंटीमीटर की जो लाइन लगी हुई है ये है, ये अब इसमें हमने यहाँ पे डॉटेड लगानी है इसके बाद इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से हमारी डॉटेड लाइनें आनी है। और अब आपका जो ये लाइनें हमारी पीछे तक जाएगी डॉटेड, ये हमारी डॉटेड लाइनें आनी थी, और ये अब हमारी जो इसका प्लान है ये बन गया, स्केल हमारी अब पूरी बन चुकी है, यही कार्य इसमें होना है। आपने भी इसको इसी तरह से सफाई के साथ बनाना है। यहाँ से ये लाइन हमारी अब मिट जाएगी आगे से, यहाँ से इस लाइन का कोई कार्य नहीं है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब इसमें बचता है हमारा फुट्टा, इसमें 2.15 सेंटीमीटर का फुट्टा यूज हुआ है, और आपने भी इसी तरह से इसमें फुट्टा बनाना है, और फुट्टा आपने अच्छे से बनाना है। मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है आपको इशारे के लिए कि इस तरह का फुट्टा इसमें बनना है, आपने इसमें स्पाई के साथ अच्छे से फुट्टा बनाना है, और इस तरह से आपकी स्केल बन के तैयार।